Kazinagar National Orchid and Biodiversity Park. एकदम सामने नहीं जाओ उसके बाद आप लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वीडियो टा करो। मोर देन 600 ऑर्किड कंजर्व किए, एंटायर नॉर्थ ईस्ट का कलेक्शन है यहाँ पे। जितने भी ऑर्किड से एंटायर हमने नॉर्थ ईस्ट तक कलेक्शन किए। ये लेपर्ड ऑर्किड है, लाइक लेपर्ड के बॉडी जैसा प्रिंट है, स्पॉटेड येलो। तो लेपर्ड ऑर्किड कॉमन नेम है, वो स्पैथोग्लोटिस प्लीकेटा पर्पल कलर का है ना, वो ग्राउंड ऑर्किड है। इस तरफ एक ब्लूम्स में है तो ऑर्किड एक्चुअली टू टाइप्स होते हैं। जो आपको ट्री ट्रंक से डेड प्लांट्स पे होते हैं वो एपीफाइट है, और जो सॉइल में होते हैं वो टेरेस्ट्रियल ग्राउंड ऑर्किड। ऑर्किड्स मीन्स हो गया फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे बड़ा फैमिली हो गया ऑर्किडेसी फैमिली। असम में ऑर्किड मिलते हैं 396 स्पीसीज, नॉर्थ ईस्ट में 900, इंडिया में 1331, वर्ल्ड में 25,000 टू 35,000 स्पीसीज। तो आउट ऑफ इंडिया 90% ऑर्किड नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, लेकिन आजकल एक्सटिंक्ट भी होते जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन की वजह से। सो इसलिए हम यहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हैं वाइल्ड स्पीसीज। सो इसलिए ऑर्किड को लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। ये एक बल्बो फाइलम कैरी है ना, आगे आ जाइए आप लोग। ये फ्लावर है बल्बो फाइलम, मीन्स बल्ब मीन्स बल्ब, फाइलम मीन्स लीव। सो बल्बो फाइलम लाइक ये स्टेम है। कुछ स्पीसीज में ऐसा स्टेम होते हैं ना, स्टेम होते हैं, ब्रांच होते हैं। तो ऑर्किड में कुछ स्पीसीज में इस टाइप का बल्ब होते हैं। तो ऑर्किड को ऑर्किड एक्चुअली टू टाइप्स बोलते हैं। एक्चुअली जो ट्री ट्रंक से डेड प्लांट्स पे होते हैं वो एपीफाइट है in their habitats. One is epiphyte which grow on tree trunks and dead plants. So these are epiphyte. ये epiphyte है। Generally epiphyte orchid living trees में grow होते हैं, but living tree में रहता जरूर है, tree से nutrition वो नहीं लेते, means parasite नहीं है, नहीं है। So यहाँ पे तो हम लोग living tree plants नहीं कर सकते इसके अंदर, इसलिए हमने ऐसा deadwood log में plant किया। तो epiphyte orchid में क्या होते हैं, ये जितने भी air में flow होता roots दिखाई दे रहे हैं, ये एरियल रूट्स है। तो एरियल रूट्स में कुछ सेल्स का लेयर होते हैं बलामेंट टिश्यू। एरियल रूट्स एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर, मिनरल्स, नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करते हैं, पूरे प्लांट पे सप्लाई करते हैं, और ऑलरेडी उसके लिए में ग्रीन कलर रहता है, ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस वो खुद से कर लेते हैं, मीन्स अपना फूड खुद से प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको सिर्फ सपोर्ट चाहिए, लेकिन एनवायरमेंट वैसा चाहिए। तो मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी लेके उसको हैंग करके किसी में भी बांध के ऐसा हैंग कर देंगे तो वो हो जाएगा। ऑर्किड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन चाहिए, स्पेसिफिक क्लाइमेट चाहिए। लाइक ह्यूमिड होना चाहिए, 80% ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर आपका 6 to 36 degrees। मोर देन 36 ऑन से ऑर्किड डिफिकल्ट होते हैं सर्वाइव करना। और सबके लिए 36 नहीं है, किसी के लिए टेम्परेचर थोड़ा लो चाहिए, और किसी के लिए थोड़ा मीडियम चाहिए, किसी के लिए थोड़ा हाई चाहिए, बट 36 नहीं होना चाहिए। ये डेंड्रोबियम दार्जिलिंगेंसिस, एक्चुअली ये दार्जिलिंग से रिपोर्ट किया गया है, और ये ग्रीन कलर का फ्लावर है। ये स्पैथोग्लोटिस प्लीकेटा, ये टेरेस्ट्रियल है ग्राउंड ऑर्किड। ये तो ऑर्किड नहीं है, एंथूरियम फ्लेमिंगो फ्लावर्स। ये पीस लिली है ना, एंथूरियम है फ्लेमिंगो फ्लावर्स। पीस लिली थोड़ा सिमिलर एंथूरियम जैसे होते, लेकिन वो डिफरेंट है एक्चुअली पीस लिली। तुम क्यों क्वेश्चन कर लो, तो बोल दो। ये क्या फ्लावर है, ये इधर, ये एंथूरियम है फ्लेमिंगो फ्लावर कॉमन नेम। ये इसके बहुत कलर्स है, इधर कुनाल ने बल्कि आज से मनवा हुई थी। ये फेलोनोसिस पल्स है ना, मैं गया मगर आप लोग आगे आ जाइए, बाद में फिर सुझाई फिर मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना। ये लुक्स लाइक कंप्लीटली एक बर्ड जैसा लगता है, लाइक विंग्स है, आईज है, टाइनी बीक है, और ये बटरफ्लाई ऑर्किड लाइक कंप्लीटली बटरफ्लाई जैसा लगता है, मोस्ट ऑर्किड कॉमन नेम है। और ये पिचर प्लांट कॉलेज 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 पत्री, तो ये है कॉलेज पत्री, लेकिन ये ऑर्किड नहीं है, पिचर प्लांट वो कार्निवोरस प्लांट है। ऑर्किड ऑर्किडेसी फैमिली हो गया, फ्लावरिंग फैमिली। इंसेक्ट नहीं, इंसेक्ट तो वैसा नहीं, एक्सपेरिमेंट
एक्चुअली पिक्चर मींस हो गया ये जार जैसा ये कलश जैसा होते हैं तो ढक्कन भी लिड भी पड़ जाएगा इंसेक्ट जब आएगा वो अंदर जाएगा तो उसमें स्टिकी जूसेस होते हैं तो वो उधर ही फंस जाते हैं वो निकल नहीं पाते धीरे धीरे वो उधर क्या हो जाता है डिसॉल्व हो जाता है और उसका पूरा नाइट्रोजन वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसलिए उसको नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होते हैं उसको जो सॉइल से नाइट्रोजन मिलते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते इसलिए वो इंसेक्ट का नाइट्रोजन ढक्कन भी पड़ जाता है जो ढक्कन पड़ जाता है वीनस फ्लाइट रहता है ये नहीं है ये पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाइट में डिफरेंस है इसमें भी लीड है लेकिन इसका लीड क्लोज नहीं होता अच्छा अच्छा और जो ऐसा ट्रैप कर लेते हैं ना धीरे से सेंसर के वजह से तो वो वीनस फ्लाइट ट्रैप है बहुत प्रजाति होते हैं मींस इसके पिक्चर प्लांट उसका ये पिक्चर आया है क्या कुछ एक भी हां तो पिक्चर सब तो बोलो रहे नहीं बहुत बड़ा भी होता है हां बड़ा भी होते हैं बहुत स्पीशीज है मैंने कहा ना पिक्चर प्लांट का बहुत स्पीशीज है ये प्लियोन माकुलेटा ये एक रेयर ऑर्किड है इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए सो ऑर्किड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्किड और नॉर्मल फ्लावर के बीच में क्या डिफरेंस है कैसे आप ऑर्किड आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ऑर्किड आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्किड फ्लावर्स में कोई भी फ्लावर्स में सेपल पेटल टोटल 6 होंगे ये ऑर्किड का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 सेम हो गया एक मॉडिफाइड पेटल उसको लिप या लाबलम कहा जाता है मीन्स एक पेटल्स का कलर या शेप अदर पेटल से थोड़ा डार्क या डिफरेंट शेप में रहते हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिनेशन के लिए ऑर्किड में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग स्पेसिफिक इंसेक्ट उसमें पॉलिनेशन करते हैं लाइक स्पेसिफिक बी हो सकते हैं स्पेसिफिक बटरफ्लाई हमें कितना अच्छा लगते हैं वो डिपेंड नहीं करते एक्चुअली वो स्पेसिफिक इंसेक्ट चाहिए अगर वो स्पेसिफिक इंसेक्ट एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे ऑर्किड एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर ऑर्किड एक्सटिंक्ट हो जाते तो इंसेक्ट एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और कोई भी इंसेक्ट अगर एनवायरमेंट से टोटली एक्सटिंक्ट होते तो उसका रिजल्ट हमें पता है क्या होते हैं एनवायरमेंट का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब या डिसबैलेंस होते हैं जो अभी हो रहे हैं ये फेलोनोक्सिस अगेन मॉथ ऑर्किड बटरफ्लाई ऑर्किड इसमें भी देखिए 6 है हाँ ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सेंटर वन मॉडिफाइड पेटल ये मॉडिफाइड पेटल इसलिए कलरफुल होते हैं या उसका शेप डिफरेंट होता है अदर पेटल से उसका भी साइंटिफिक रीजन है वो मैंने कहा ना अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिनेशन के लिए लाइक ये एक प्लेटफॉर्म है इंसेक्ट आएगा वहां बैठेगा और वो नेक्टर लेने के लिए ट्राई करेगा तब वो मूवमेंट करेगा तब उसका पॉलिनेशन होगा क्योंकि ऑर्किड बाइसेक्सुअल है ये पिक्चर प्लांट का दूसरा स्पीसीज दूसरे फ्लावर में ऐसा नहीं होते फीमेल दूसरे पार्ट में रहते हैं और मेल दूसरे में रहते हैं तो वो बी आके वो ट्रांसफर करते हैं वो मेल बी आके वो फीमेल्स में वो ट्रांसफर करते हैं तभी उसका पॉलिनेशन होते हैं तब उसमें सीड्स आते हैं तो ऑर्किड्स में एक साथ ही रहते हैं लेकिन एक साथ रहते भी है तो वो थोड़ा सेपरेट रहते हैं इसलिए वो स्पेसिफिक वो उसका स्टेम है लाइक हाँ वो उसका कलियर है अभी फ्लावर आएगा उसमें क्या कलर के फूल होते हैं ब्लैक बैट फ्लावर ए ब्लैक फ्लावर देखे जाओ वाओ ब्लैक बैट फ्लावर सेवन फ्लावर एट विस्कर बैटर मुझे दिखते हैं बैटर ये भी एक रेयर फ्लावर है बट ये ऑर्किड नहीं है This is black flower. Bat or black? Bat or black? Ma'am? Bat black flower. Bat black flower. Black কি তোর ये फायास मिसिमेंसिस ये टेरेस्ट्रियल है ग्राउंड ऑर्किड फायास मिसिमेंसिस ये मिट्टी में होने वाले ऑर्किड से इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए इसमें बाई कलर से पिंक है उसके बाद में ऑरेंज कलर लेकिन ये मिट्टी में होते हैं इसका भी कैरेक्टरिस्टिक सेम है 6 पेटल्स है ये 5+1 ये मॉडिफाइड पेटल है ये कैलेंटी सेल्वेटिका ये ग्राउंड ऑर्किड है इसमें भी 6 है इसका जो मॉडिफाइड पेटल है ये कम्प्लीटली डॉल जैसी शेप है इस तरह
ये इन्फ्लोरेसेंस है, ये कम्प्लीटली ब्लूम फ्लावर है। ये भी है क्या, ओबेरोनिया एंथ्रोपोरा, ये भी इन्फ्लोरेसेंस है। ये एक है डेंड्रोबियम इरीफ्लोरम, ये लाइक डॉल्फिन जैसा लगता है इसका शेप देखने के लिए। डॉल्फिन लुक्स लाइक डॉल्फिन, दिस वन लुक्स लाइक डॉल्फिन, सी लुक एट द शेप दैट वन। व्हाट इज दैट टू क्यूट साइड के बाद एक वन बाय वन एक्चुअली दूसरा हो मैं आका तुलते चाहिए किशु। ये लुक लाइक स्पाइडर का लुक है, कॉमन शेप है ना, लग रहा है कि नहीं? स्पाइडर निशान पीछे कौन था वो सिला जाने नीचे डा ये सिला जाने ओबेलिस, ये लाइक हाउस फ्लाई जैसा लगता है, इट्स लुक्स लाइक हाउस फ्लाई। टच नहीं करना है, वो फ्लावर है, वो फ्लावर है, वो फुल इन्फ्लोरेसेंस है, वो कंप्लीटली ब्लूम फ्लावर है। वो लग रहा है कि कोई इंसेक्ट बैठा है और इसमें हाउस फ्लाई जैसा लग रहा है। कौन था ये? आपको कोई नहीं दे रहे, कोई भी नहीं देते ना आपको? ये क्या है? वो बायोबियम पुडिकम, वो भी ऑर्किड है, छोटा एकदम, इतना सारा टाइप का ऑर्किड। ऑर्किड जैसे कलकत्ता का एनवायरनमेंट में कौन सा ऑर्किड अच्छा होगा? वहाँ पे हाइब्रिड ऑर्किड होगा, और हाइब्रिड जो कल्चर्ड, हाँ जो कल्चर्ड वो नर्सरी से या फ्लोरिस्ट के पास मिलते हैं ना, पर्पल एंड व्हाइट वाला, व्हाइट वाले वो सब हो जाएंगे। वाइल्ड स्पीसीज भी होता है लेकिन बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। हम अपने खुद को इतना मेंटेन करते तो प्लांट्स को मेंटेन नहीं करेंगे। एक्चुअली ऑर्किड बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए मेन थिंग हो गया आपका क्लाइमेट। तो जो आप, और वैसे भी आपको वाइल्ड स्पीसीज नहीं मिलने वाले हैं, जो भी मिलेगा आपको कल्चर्ड हाइब्रिड ही मिलेगा नर्सरीज में, तो वो कल्चर्ड आप कर सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्किड कर सकते हैं। अगर आप हाइब्रिड करते हैं तो आप अगर पॉट में प्लांट करते हैं तो ब्रिक चारकोल कोकोनट फाइबर डाल के आप प्लांट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा शेड में रखना होगा। फिर डायरेक्ट शेड में रखने से भी नहीं होगा, थोड़ा सनलाइट भी चाहिए, उसको वाटर भी चाहिए। ये ग्रेस्टोसिला ऑब्लिका सी एल लाइक हनी बी जैसे लगते हैं। ईशान डू नॉट टच, ईशान आंटी की बोलते डू नॉट टच। इसको मतलब ऐसे ही लगाना पड़ता है क्या ये? हाँ, उडलॉग में उसको रूट को अच्छे से एडजस्ट करके, ये हमने मॉस लगाया है, मॉस को रख के फिर उसको रूट को एडजस्ट करके बांध देना। और वैसे लिए हम यहाँ पे मिट्टी नहीं चाहिए, क्योंकि डांसिंग लेडी हमें देखे छी, ग्रे एंड येलो गाउन पहना हुआ है, बैक साइड लाइक काम डांसिंग लेडी, डांसिंग लेडी का पोजीशन तो देखते हैं। अरे ऑर्किड छवि एक बार अनेक बार फेसबुक पे आते हैं, फिर ये उन्हीं जा बोलते सब करो, ये करो, ये धरो। ये एक है बल्बोफाइलम प्रेसिपिस, ये पाइनएप्पल जैसा लगता है, पाइनएप्पल का आउटर पार्ट जैसा, और ये वेंडा ऑर्किड, ये एकम्पी प्रिमस है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही स्वीट है, इसका ऑसम है इसका फ्रेग्रेंस, देखते आछे, देखे जाओ, देखे जाओ, ऑक्टोपस मतो
এইটা লুকস লাইকস অক্টোপাস ये ऑक्टोपस जैसे लगते हैं लोग ऑन सी गेम ब्रश ये तो हाउस फ्लाई जैसा है ये तो आगे देख लिया आपने बल्बो पेलम क्या है ना ये बटरफ्लाई ओके हां तो देख लिया पहले ये एक है लाइपेरिस ग्रीडी फ्लोरा ये इनफ्लोरेसेंस है ये एक एक सिंगल फ्लावर है ओ एक एक सिंगल फ्लावर हां ये एक एक इसमें भी सिक्स पेटल्स है ओ इसके खुद एक एक में वहाँ पे ब्लैक बेड फ्लावर दिखाया था वो है व्हाइट बेड फ्लावर क्या ब्लैक बेड सुने तो व्हाइट बेड देखिए ओ रे सामने जाओ तुम तो लेना दिस इज व्हाइट बेड This is Gaanda, Marigold. This is again butterfly. Looks like butterfly. Oh. यहाँ पे वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ऑर्किड है लेकिन अभी ब्लूम्स में नहीं है। ये क्या है लाल लाल रेड रेड कलर का ये क्या है एंथूरियम फ्लेमिंगो ओ हो 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 व्हाइट में देखा येलो में देखा बहुत कलर्स है इसका स्मॉलेस्ट ऑर्किड ये वर्ल्ड के अंदर स्मॉलेस्ट फाइलम ग्लैंडुलसम लेकिन अभी इसमें फ्लावर नहीं है फ्लावरिंग जून जुलाई को होता है कलर में आता है फ्लावर लाइट ग्रीन कलर में होते हैं इसका फ्लावर का साइज होता है ओनली 1.2 mm 2 मिलीमीटर उससे थोड़ा बड़ा ये है टेनियोफाइलम क्रुपिडिफॉर्म में इसका साइज होता है 5 mm 5 मिलीमीटर ये कुछ दिन पहले फ्लावर हो चुका है अभी टाइनी बर्ड्स है इसमें ये बर्ड है ये ब्लूम होगा फिर टाइम लगेगा इसको ब्लूम होने के लिए टेनियोफाइलम क्रुपिडिफॉर्म क्या स्मॉलेस्ट ऑर्किड दिस वन इज द स्मॉलेस्ट ये तो डेंड्रोबियम ये असम का स्टेट फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड जो बिहू के टाइम में लड़कियां इसके फ्लावर को हेयर बन में लगा के बिहू डांस करते समय लगाते ये ब्लूमिंग पीरियड भी अप्रैल मंथ को ही होते हैं मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं पिंक एंड व्हाइट कलर का लंबा फ्लावर आते असम का स्टेट फ्लावर नाम क्या है इसका कोपो फूल बोलते हैं असम इसमें फॉक्सटेल ऑर्किड कॉमन नेम है रिंगो स्टाइलिस रेतु से साइंटिफिक नेम है असम का स्टेट फ्लावर है ये आगे बहुत है आप लोग कभी फोटोग्राफी कर सकते हैं नेक्स्ट नेशनल म्यूजियम में ऑर्किड फोटो गैलरी राइस म्यूजियम कल्चर प्रोग्राम कैक्टस है हर्बल मेडिसिन गार्डन है बोरखा म्यूजियम बोटिंग बहुत कुछ है आगे आप लोग Thank you.
फ्लावर्स पूरे ले लो ना, मेन तो एक ही फ्लावर्स पूरे ले लो। इतने सुंदर फूल है इधर से आएगा, एरियल रूट से ना, एरियल रूट से वो पड़े जा भी जल है सामने। Now, I am giving you more details about Kaziranga National Orchid and Biodiversity Park. Its location, tickets cost and timing I already described on starting of this video. The park has multiplied the glory of Kaziranga in many folds. The Orchids Park boasts of having more than 500 varieties of wild orchids, 132 species of shore fruits and leafy vegetables, 46 species of bamboo and 12 species of can and many other plants, along with various species of local fishes. The Kaziranga Orchid National Park is an above more than 600 species of wild orchid collected from all across the Northeast India region. The beautiful orchid have been placed amidst wild state in order to give complete natural ambience, taking visitors as close to nature as possible. The whole variety is preserved in a greenhouse together with some hybrid varieties. Some of them have been exclusively collected from local recipients of the state. The paradise of Northeast India have been established with two major intentions. The very first reason is to preserve the great varieties of orchid, and secondly to create awareness among the general public about this wonderful creation of nature. This park gives full certificate to Northeast India that it is a hub to very rare biodiversity found in India and should be protected and preserved. Apart from this, park also boasts of a medicinal plants garden, rice museum along with a product distribution center, a separate garden for local fruits and flowers, and a dedicated species for native species of fishes. And this forest area that have various native species of this tree grows apart from its culture center. Do not forget to see native species of bamboo and can inside the park. Kaziranga National Park is basically known to have the highest population of one horned rhino. But the missing link in the continuity of Kaziranga tourism has been now fulfilled by National Orchid and Biodiversity Park. The Assam's Kaziranga Fauna landscape has definitely got a new picture with the introduction of Kaziranga Orchid and Biodiversity Park. Apart from tea and petroleum, Assam is best known for an ample variety of orchids. Orchids belongs to a cosmopolitan family plants with complex flowers that are often sweet. It's also apt as a
symbol of our national heritage. There are around 35,000 varieties of orchids in the world, with approximately 1,314 varieties found in India. And very interestingly, about 850 varieties found in Northeast India, with 402 varieties found only in Assam.